हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक, ठीक है, जिसमें भी हम पढ़ेंगे क्या ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन ग्रुप, इससे पहले हमने नाइट्रोजन ग्रुप को कंप्लीट किया था, प्लेलिस्ट बनी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हमारे पास क्या है ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन ग्रुप में हमारे पास तत्वों के होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पांच तत्व आते हैं ऑक्सीजन ग्रुप में। ये क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे, एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद हम यहां से सबका निकाल सकते हैं, एक बार कितना ऐड किया जाता है 8, एंड दो बार कितना ऐड करेंगे 18, और लास्ट में क्या करेंगे 32 यानी 32। एक बार 8 ऐड करेंगे, दो बार 18 और लास्ट में 32। तो ये इसका 8 होता है, 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 यानी 16, 16 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 34, 34 में फिर 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 53, और 53 में 32 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। अब देख लीजिए ना, सही है, ऐसे करना है। एक बार आठ जुड़ना है और दो बार 18, एक बार 32, सबका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, हो गया। हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो 5 मार्क्स में आता है, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास ये दिखाना होगा, उसके बाद लिखना होगा कि हमारे पास क्या तत्व है, हो गया। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है, इनकी संयोजकता बताना होगा, ये धातु है अधातु है, परमाणु त्रिज्या बताना होगा, तो सबको एक एक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, वैसे भी इस पी ब्लॉक में सबका क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास 8 पे है, इसका निकाल क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p, कितना पे जाएगा 4 हो चुका है, 4 बचेगा, ठीक। तो हमारे पास लास्ट सबसे क्या होता है, हमारे पास यही लास्ट वाला होगा। तो लास्ट में क्या, अगर इसको 2 की जगह क्या माने, n माने, और s2 है, इसकी जगह 2 की जगह n माने, p पे 4, तो इसका आ जाएगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP पे 4 होता है, हो गया। तो यहां तक नोट कीजिए, ठीक है, इसके साथ उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लिखवा देते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास संयोजकता यानी बैलेंसिंग। संयोजकता मतलब बैलेंसिंग, यानी इस पर कितना बैलेंस होता है, तो क्या लिखेंगे, इस वर्ग के ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, परंतु वर्ग के सभी तत्व 2, 4, 6 प्रदर्शित करते हैं, हो गया। संयोजकता का मतलब हमारे पास की उस पर बैलेंसी कितनी होगी ना, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और 2 के अलावा 4, 6 भी होगी ना, जैसे नीचे वाले सभी तक तो क्या दिखा, कोई 4 दिखाया, कोई 6 दिखाया, लेकिन ऑक्सीजन कितना दिखाता है, +2। तो संयोजकता से मिलता जुलता हमारे पास क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता -2 होती है, यानी ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है -2 का, तो क्या आ जाएगा इसकी सामान्य संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है, परंतु परऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, और सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था
अवस्था प्लस दो भी होती है। हो गया, अब ध्यान समझते हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है ना। ऑक्सीकरण अवस्था मान लेते हैं हमारे पास जैसे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, जैसे हमारे पास ये लिखा है जल, अगर इसकी हमें ऑक्सीडेशन निकालना हो, ऑक्सीडेशन नंबर संख्या तो कितनी आएगी, वन में आएगा। और ऑक्सीजन के अगर हमारे सिंपल देखें तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, माइनस दो का, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, माइनस दो। लेकिन अगर परऑक्साइड ले लें, कोई परऑक्साइड निकालेंगे तो परऑक्साइड क्या होता है, H2O2, अगर इसका निकालेंगे कितना आएगा, माइनस वन। और किसी का निकाले तो उसमें क्या आएगा, और सभी तत्व जो हमारे पास जैसे ये था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, क्लोरियम, तो ये हमारे पास तो दो में आ जाएगा, लेकिन ये सब क्या हमारे पास प्लस दो भी दिखाते हैं, माइनस दो भी दिखाएंगे और माइनस वन भी दिखाएंगे। तो कहने का मतलब वही, ऑक्सीजन की समान संख्या माइनस दो होती है, लेकिन और सभी क्या दिखाते हैं, माइनस वन और प्लस दो भी दिखाते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगला हमारे पास भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब इसकी कैसा है हमारे पास, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये सब क्या, सभी सभी ठोस है। तो क्या आ जाएगा, इस वर्ग में ऑक्सीजन गैस है तथा और सभी तत्व क्या है, ठोस है। हो गया, हमारे पास भौतिक अवस्था में क्या है, इस वर्ग में ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, और सभी क्या सॉलिड है, यानी स्टेट है, सॉलिड में है, तो क्या आ जाएंगे, ठोस है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, धात्विक गुण का मतलब हमारे पास होता है कि किसमें क्या कैरेक्टर है, धातु वाली क्या कैरेक्टर है। अब ध्यान सुनते हैं, ये हमारे पास क्या है, धातु, इस पे ये हमारे पास गैस है, और ये क्या हमारे पास ठोस है। तो गैस है, इसी भी ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है, माइनस का। ये अधातु है, ये हमारे पास क्या है, धातु है। पोलोनियम क्या होता है, धातु होता है। तो पहले अधातु है, फिर उपधातु होता है, फिर अधातु, उपधातु, धातु। तो धात्विक गुण क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धात्विक गुण क्या करेगा, बढ़ेगा, लिखेंगे इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर या जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। हो गया, जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, हो गया। तो हमारे पास क्या है, अधातु है, और ये दोनों क्या हमारे पास उपधातु है, और ये दोनों क्या है, धातु है। तो धात्विक गुण क्या कर, बड़ा पहले अधातु, फिर उससे अच्छा थोड़ा सा उपधातु, और उससे सबसे अच्छा क्या होगा, धातु। तो धात्विक गुण क्या है, ऊपर से नीचे बढ़ने पर, लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता क्या अधात्विक, तो अधात्विक क्या होता है, घटता, लेकिन धात्विक क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट। अगली तो हेडिंग हमारे पास है आयनन विभव और परमाणु त्रिज्या। आयनन विभव क्या, ध्यान समझते हैं, आयनन विभव क्या मतलब है ना, ये हमारे पास लिखा है, अगर मानते हैं यहाँ पे इसका कोई नाभिक होगा, ये हमारे पास क्या है, नाभिक। तो नाभिक क्या करे, इस पे फोर्स लगाएगा, सबको क्या करे, अपने अट्रैक्शन के पास रखना चाहेगा। तो आयनन विभव क्या होता है ना, अगर किसी को टेम्परेचर दे दें, टेम्परेचर देंगे क्या होगा, ये नाभिक से अलग हो जाएगा, नाभिक से अलग होगा। तो किसी धातु को मानते हैं हमारे पास, ये मैं नाभिक उसका, ये हमारे पास धातु है, तो इन दोनों का अगर बीच में दूरी करना है, नाभिक से धातु को अलग करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़े उसे क्या करते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तब ध्यान सुने, अगर हमारे पास ये लिखा है, तो अगर ये जो हमारे पास नाभिक के पास में है, तो अगर जैसे मानते ये मैग्नेट है, मैग्नेट पास में अगर ये ज्यादा पास में होगा, तो इस पर क्या करेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। ये हमारे पास थोड़ा दूर है, तो क्या करेगा, फोर्स थोड़ा कम लगेगा। तो इसमें क्या है, सबसे कम फोर्स होगा। तो टेम्परेचर अगर नीचे से देंगे, अगर यहाँ से हम टेम्परेचर देंगे, तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, और ये वाला थोड़ा सा कठिन होगा, ये वाला इसके साथ क्या फोर्स में ज्यादा लगा है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा कठिन से निकलेगा, इसको ज्यादा एनर्जी देनी होगी, इसको सबसे कम। तो नीचे आने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे आने पर इसको कम देना, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा इसको देना, तो नीचे आने पर क्या, कम हो रहा है। तो आयनन विभव क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव क्या करेगा, घटता है। तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लेंगे आयनन विभव घटता है तथा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। हो गया, अगला क्या है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, हमारे पास नाभिक है, नाभिक क्या, ये सेल होंगे इसके, तो नाभिक से जो हमारे पास उपकोष है, यानी ये वाला नाभिक से लास्ट उपकोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। जैसे इसे हम समझती है हमारे पास, तो इसका कुछ रेडियस यहाँ से इतना होगा, तो अगर ये इतना इसका रेडियस है, अगर यहाँ पे हमारे पास पोलोनियम है, तो इसका भी यहाँ से इतना रेडियस होगा। तो ऊपर से आने पर नीचे क्या रेडियस बढ़ रहा है, नीचे इतना हो रहा है, इतना ये
तो ऊपर से नीचे आए परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो बाएं से दाएं जाने क्या होगी, घटेगी, तो क्या लिखेंगे, तथा बाएं से दाएं जाने पर घटती है। हो गया, अब ध्यान सोचते हैं, यहां तक नोट कीजिए, ठीक है सर, हो गया, ध्यान सोचते हैं। तो हमने, हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए ना, 5 मार्क्स में आता है, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे उसका, उसमें सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है, उसके बाद लिखेंगे उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, उसमें कौन धातु होता है, कौन अधातु, कौन उपधातु होता है, फिर परमाणु त्रिज्या, फिर आयनन विभव, तो हमने सब कंप्लीट किया, ठीक है, तो ध्यान समझते हैं। तो इससे पहले में अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है, आयनन विभव किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारे पास पी ब्लॉक के नाम से, तो उसमें बनाया गया, प्ले लिस्ट बनी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, याद नोट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन बनाने की विधि, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।